मॉर्निंग और अभी तो बजने करीब 7:30 और आपको एस मतलब दिख ही रहा होगा हम लोग इस टाइम गाड़ी में और मैं हूँ, बच्चे देखो पीछे बैठे हैं, सो के उठे हैं, इनका मुँह देखो, से गुड मॉर्निंग और दिन मिले। तो हम लोग जा रहे हैं कानपुर। यस चलो, मायके का टाइम हो गया है, एक दो ही दिन के लिए होगा क्योंकि वो जो जो रीजन है वो आगे दिखाऊंगी। और बेसिकली इनका स्कूल का है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, वही मैं आपको बता दी हूँ। तो ये है, आज मैंने पहना है कॉटन का सूट, तो बस यही है। तो करीब हम लोग निकले थे सुबह 6 बजे निकले थे, हाँ 6 बजे। अभी लगभग यहाँ तक आने में 200 किलोमीटर कितना हो गया, 200 नहीं 150, हाँ 150 किलोमीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं। और लग रही है भूख सुबह सुबह तो लगती है ना, भूख के साथ साथ ज़्यादा लग रही है चाय की, वो मेरी खुद ही आँखें ऐसी हो रही। तो बस कहीं हम लोग ढूंढ रहे हैं, अगर अभी कहीं कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं जैसा जो होता है। तो मतलब पूरा रास्ता कवर करने में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, 5 मतलब 10:30-11 बज जाएगा कानपुर पहुँचते। तो चलो चलते हैं, फिर जैसा होगा। मौसी है ना, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे, तो उनका ससुराल भी रास्ते में पड़ता है इटावा में। तो हम लोग इटावा पहुंच चुके हैं और वहाँ पे मोना आकाश की शादी है, तो उसके लिए कुछ साड़ी एक दो जानी है दादी के लिए, मीन्स दादी सास के लिए। तो हम लोग यही कह रहे थे जस्ट कि कहाँ से मुड़ना है क्या है। तो बस वो शायद आ ही गया है घर, तो चलो वो भी मैं दिखा देती हूँ। क्या हो गया, ये परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये पीछे निकल गया, बजरंग एंटरप्राइजेस। ओ ये है घर, ये दिखा। चलो चलते हैं, निलय तो उतरे नहीं, निलय कह रहे हम गाड़ी मोड़ रहे हैं। ये देखो सुंदर सा घर, बस देखिए रास्ते से लिए थे पोहे मतलब, और हाँ वहीं से ले लिए थे, 2 प्लेट लिए थे। ये देखिए पैक हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या यूपी में नहीं चलता है, तो मैं क्या चलो शूट कर लेती हूँ। ये भी देखो ये वहाँ पे नाश्ता है, ये होता है इस तरीके का। गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं, बस प्याज टमाटर डालो, थोड़ी सी नमकीन डालो, नींबू डालो और बस। और ये भैया को मैंने देखा ये पनीर भी डाल लेते हैं, तो बस ये पैक कराए। गरम गरम से बहुत अच्छे लगते हैं, लास्ट में डाला जाता है पोहा मसाला, बहुत टेस्टी लगता है। लोगों ने वो दे दिया, मीन्स वहाँ पे रुके नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आज सिर्फ हमारे पास 2 ही दिन है। तो क्या है फिर वो स्कूल में स्पेशली हमें बात करनी तो वो जात, इन लोग को देखो अब टाइम आ गया है कि यार थोड़ा सा इन लोग को भी ना बाहर निकल के से, देव को थोड़ी दिक्कत होने लगती है, मीन्स वॉमिट सी इनको लगने लगती है। तो आप थोड़ी देर कहीं रोक के और फिर करते हैं, चलो आएगा। हम लोग आ गए हैं ढाबे में और देव खाएगा, देव को पसंद है पनीर का पराठा, तो देव खाएगा पनीर का पराठा। क्या होता पनीर देव? आलू का पराठा, ये देव ने सुन लिया। तो पापा को खाना है आलू प्याज का, सुबह सुबह मॉर्निंग में तो यही सकता है, और जस्ट चाय। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं, देव ने अपनी एक स्लाइस गटक ली है एकदम, है ना देव? अब नहीं हो रहा है ना कुछ, जब तक देव ने नहीं पी थी ना, तब तक देव को वॉमिट हो रही थी, वो सब आ रहा था। अब देव ने पी ली, अब देव को कुछ नहीं। आप अब देव आराम से भी एक और पिला दो ना, तो आराम से हो। चलो पराठा आने फिर खाते। बात
बस लगभग देखो एंट्री हो गई है। एक्चुअली कानपुर तो बहुत बड़ा है ना, तो बाहर से ही दूर से ही बहुत पहले से ही एंट्री हो जाती है, और अब यहाँ से हम लोग को अभी करीब 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तो बस, और देखिए अब पहुँच गए हैं, और हाँ हाँ रखना है। और ये देखिए, ये ना बाहर ये एयरपोर्ट की जो हॉल है ना, वो पूरी पेंट हो गई है, ऊपर तो ऐसी फेंसिंग लग गई है। और ये यहाँ पे मंदिर में ना कुछ रामायण हो रही थी, तो इस तरीके से था। और मेरे घर पे भी काम चलता रहता है, मेरे घर में भी ना जेके टेम्पल की तरह काम चलता ही रहता है। तो इस बार ये वाले पत्थर लग गए हैं नीचे, जो पार्किंग एरिया था ना बाहर, एकदम बाहर गार्डन वाले एरिया में, वो लग गए हैं। और यहाँ पे साइड में मिठौली सूख रही है जो मेरे लिए, जो मम्मी ने दिए हैं, देखो शायद आज ही दिए हैं इस वजह से। तो चलो चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो इधर ये लग गया है, देन अच्छा ये घिसाई वाली मशीन रखी, क्योंकि अभी शायद कल ही थोड़ा बहुत काम बंद हुआ है, बाकी तो चल रहा था। और क्या चेंजेस हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, सब एक ही जैसा लगता है अब तो लगते। अच्छा ये यहाँ ऊपर काम हुआ है, ऊपर छत पे पूरा हुआ है। और ये देखिए जीने में ऐसे पत्थर लगे हैं सारे, ये देखो देखो। तो बस आ तो गए थे, मतलब हो गए थे 2-3 घंटे। फिर एक्चुअली क्या है अभी, हाँ प्लेन ही देखो, इनको अपने पुराने टॉयज मिल गए ना, तो ये उसी में खुश है। ये देखो लौट लौट के मस्ती हो रही है। तो क्या है कि 2 दिन में मेरे को बहुत सारे काम है, कुछ बैंक्स के काम है, स्कूल का काम है जैसा कि मैंने सुबह बताया था, और कुछ एक दो सामान भी ख़रीदना है, क्योंकि ऐसा होता है ना मायके में, आप घर पे जो लोकल शॉप्स होती हैं, और मतलब आप यूजुअली मतलब आपने वहाँ से शॉपिंग करी होती है, तो आपको पूरा आइडिया होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी और हमें हमारे मतलब हमारे मतलब के सारे काम हो जाएंगे। तो वही है, तो मैं अभी ऐसा देख रही हूँ कि क्या काम मैं पहले ऐसे निपटाऊँ जो निलय के साथ हो जाएंगे, कौन से काम ऐसे निपटाऊँ जो मैं अकेले स्कूटी से कराऊँ। तो मैं दूँगी, मैं अपडेट तो आपको सारी दूंगी, अब दूंगी, अभी दूंगी है ना। पिछले 4-5 दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि लिटरली मैं स्कूल्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए देखो बड़े बच्चे होते हैं तो चीज़ें अडाप्ट करना उनके लिए आसान होती है, बट छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं होती, स्पेशली इवन जब वो एक टीचर से दूसरा टीचर भी चेंज होता है ना, तो उनके लिए बहुत टफ होता है, रियली आप मानिए। तो इसीलिए अभी ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो मुझे बहुत सोच समझ के लेना है, या तो बच्चों को स्कूल जाना हो, जो यूज़ टू हो जाते हैं वो लोग, तो एक ये चीज़ हो जाएगी ना, तो एक बहुत बड़ा यू नो सरदर्द मेरा कम हो जाएगा। तो बस यही है, और कुछ कुछ मैं अपनी मतलब ये सब निकाल ली हूँ, कुछ कुछ साड़ियाँ और ये दिखाया था मैंने ऐसी निकाली, क्योंकि शादी में जो चीज़ें यूज़ हो जाएँ, तो बस यही सब चल रहा है। तो ये था इस बार का मीन्स आज का छोटा सा व्लॉग, फर्दर जो है वो आगे जो भी है वो अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। बस टॉयज ही तोड़ना, ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।